पहुंचने से पूर्व यह मोदक प्रस्तुत होंगे। हे विचित्र प्राणी, कौन है तू? हट जा मेरे मार्ग से, हमें अपने आराध्य भगवान शिव के दर्शन करने हैं। विचित्र प्राणी मैं हूँ अथवा तुम? क्या तुम्हें इतना भी विवेक नहीं कि यह समझ सको कि इस परम पावन कैलाश की शांति को भंग करना भयंकर अपराध है। ए विचित्र प्राणी, पहले ये बता कि तू है कौन और हमारा मार्ग रोकने का अधिकार तुझे किसने दिया? मुझे यह अधिकार आपके आराध्य भगवान शिव ने दिया है। उनकी आज्ञा है कि माता पार्वती के कक्ष में किसी को प्रवेश करने न दिया जाए। ओ, हमें माता पार्वती के नहीं अभी तो अपने आराध्य भगवान शिव के दर्शन करने हैं। इस प्रकार हंसकर तू हमारा अपमान कर रहा है गजमुख। अर्थात अब तो तुम मुझे पहचान गए। अब अपनी भी पहचान बता दो परशुधारी, क्योंकि मुख से तो तुम ऋषि लगते हो किंतु ऋषि हाथों में पशु धारण ना करके कमंडल धारण करते हैं। इस कारण तुम ऋषि नहीं हो सकते, ये तो सिद्ध हो गया। हम कौन हैं? ये तुम जैसे विचित्र प्राणी को बताने की हमें तनिक भी आवश्यकता नहीं है। हमें भीतर देखने दो, कहीं हमारे आराध्य भगवान शिव शंकर भीतर तो नहीं है। ये कैलाश का नहीं माता पार्वती के कक्ष का द्वार है। यदि कैलाश द्वार पर प्रहरी होता तो तुम भीतर ही ना आ पाते। मूर्ख बालक, मेरा मार्ग अवरुद्ध करके तूने अपने सर्वनाश को आमंत्रित किया है। सावधान, शिव त्रिशूल से टकराने का दुस्साहस ना कर, अन्यथा तू यहाँ से जीवित नहीं लौटेगा। नहीं जानता कि तू क्या कर रहा है, तू किससे टकरा रहा है। यह अग्र पूजा के अधिकारी हैं, पार्वती नंदन श्री गणेश हैं। शीघ्र कैलाश से लौट जा, नहीं तो तू अपने इन प्राणों से हाथ धो बैठेगा। पुत्र यदि पुत्र की मर्यादा भूल जाए तो उसे दंडित करना गुरु का कर्तव्य होता है। ये विचित्र प्राणी मेरे मार्ग में क्यों आ रहा है? ये श्री गणेश शिव आज्ञा से द्वार के प्रहरी है। भक्त और भगवान के मध्य कोई प्रहरी नहीं होता। इस तरह मेरा अपमान और मुझ पर प्रहार करके इसने अपने सर्वनाश को आमंत्रित किया है। ये त्रिशूल मेरे पिताश्री शिव शंकर का है, इससे किसी के प्राणों को लेने का अधिकार मुझे नहीं है। इसलिए अंतिम बार कह रहा हूँ, जैसे आए हो वैसे ही लौट जाओ, अन्यथा परिणाम भयानक होगा। धन्य है तुम्हारा पराक्रम बालक, तुमने परशुराम को धराशायी करके अपने पराक्रमी होने का परिचय दिया है। किंतु परशुराम का जन्म किसी से पराजित होने के लिए नहीं हुआ, शिव कृपा से परशुराम अपराजय है। परशुराम की पराजय उसके आराध्य भगवान शिव का घोर अपमान है। और शिव आज्ञा का उल्लंघन करना क्या शिव का अपमान नहीं होगा? अभी भी कहता हूँ, जैसे आए हो वैसे ही लौट जाओ। अब मैं तुझे दंडित करके अपने आराध्य भगवान शिव के दर्शन किए बिना इस कैलाश से नहीं लौटूंगा। बात की बात में सहस्त्र बाहु कार्तवीर को यमराज का ग्रास बनाने वाला ऋषि जमदग्नि का पुत्र परशुराम अब तुझे दंडित करके ही रहेगा। हठी पुरुष,
वीर नहीं हूँ जो तेरे प्रहार से यमराज का ग्रास बन जाए। अब तेरे क्रोध और हट को सत्य का दर्शन कराने के लिए मैं धर्म को साक्षी मानकर तुझे दंडित करता हूँ। पराक्रमी बालक, तेरा पराक्रम तो वास्तव में प्रशंसनीय है। वाह! किंतु मैं भी परशुराम हूँ, जिसका प्रतिशोध और प्रतिरोध कभी थमने का नाम नहीं लेता। मैं अपनी शिव भक्ति को दांव पर लगाकर अपने आराध्य भगवान शिव का नाम लेकर तुझ पर प्रहार करता हूँ। ओम नमः शिवाय। श्री गणेश ओम नमः शिवाय। तुम्हारे साथ किसने किया पुत्र गणेश? परशुराम तुम? क्या तुमने प्रहार किया मेरे गणेश पर? उत्तर दो, अन्यथा मेरा क्रोध तुम्हें भस्म कर देगा। नंदी, भृंगी, शिवगणों, उत्तर दो, श्री गणेश पर प्रहार करने का दुस्साहस किसने किया? माता, इन्होंने आते ही क्रोधित होकर हम सबको प्रताड़ित किया और श्री गणेश से युद्ध करने लगे। माता, इन्हीं के परशु प्रहार से श्री गणेश का बायां दांत खंडित हुआ। तुम्हें चोट तो नहीं पहुंची पुत्र? नहीं माता, मुझे चोट नहीं पहुंची। अभी तू मेरे बायां दांत को पहुंची है और अब मैं एक दंत बन गया। परशुराम, बालक गणेश पर परशु प्रहार अनुचित था। श्री गणेश को हमने ही आदेश दिया था इस कक्ष का पहरा देने के लिए। दया करें हे दया निधान, कृपा करें हे कृपा निधान, क्षमा करें हे क्षमा निधान। मैं वास्तव में इन्हें पहचान नहीं पाया और भयानक अपराध कर बैठा। प्रभु मुझे क्षमा करें। तुम्हें क्षमा करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है परशुराम। तुम्हें क्षमा मांगनी है तो श्री गणेश से मांगो, उनकी माता गौरी से मांगो। नहीं, मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगी परशुराम। तुम क्षमा के योग्य हो ही नहीं। क्रोध और प्रतिशोध ने तुम्हारे विवेक को नष्ट कर दिया है। तुमने इतना भयानक अपराध किया है जिसका दंड तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। हे ममता मई जगदम्बा, हे शक्ति स्वरूपा, अपने इस पुत्र के ज्ञान को क्षमा कर दें। वास्तव में हमसे भयानक अपराध हुआ है, किंतु आप तो माता हैं और माता अपने पुत्र के भयानक से भयानक अपराध को क्षण भर में क्षमा कर देती है। किंतु तुम क्षमा के योग्य नहीं हो परशुराम। अपने आराध्य भगवान शिव के पुत्र पर शिव का नाम लेकर प्रहार करके तुमने जघन्य अपराध किया है। माता, भगवान शिव मेरे आराध्य ही नहीं गुरु भी है। उस गुरु के नाम पर ही मुझे क्षमा कर दे माता। जिस गुरु की तू दुहाई दे रहा है परशुराम, क्या उसी के पुत्र पर तेरा प्रहार गुरु दक्षिणा मानूं? अरे अभागे, तूने तो अपने गुरु पुत्र का दांत अपने हट के कारण खंडित कर डाला। चराचर जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ का अमोघ अस्त्र पाकर तो एक मूषक भी मनराज सिंह का वध कर सकता है परशुराम। आप सत्य कह रही है माता,
मैं भगवान शिव की भक्ति को साक्षी मानकर श्री गणेश को आहत करने में सफल हुआ। तू नहीं जानता हतभागे, श्री गणेश क्षण मात्र में तेरे जैसे करोड़ों पुरुषों का वध करने में समर्थ हैं, किंतु हिंसा में विश्वास न रखने के कारण इन्होंने तुझे क्षमा कर दिया। मूढ़ बुद्धि परशुराम, श्री गणेश समस्त देवताओं में अग्र पूजा के अधिकारी हैं। यदि आज तुझे दंडित न किया गया तो संसार में देवताओं की श्रेष्ठता पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। सावधान परशुराम। श्री गणेश, जिस प्रकार तुम हमारे श्री महागणेश के अवतार हो, उसी प्रकार श्री परशुराम भगवान श्री हरि विष्णु के अंशावतार हैं। तुम्हें एक दंत बनाने के लिए ये लीला हमारे द्वारा ही रची गई थी। इस कारण माता पार्वती के क्रोध से परशुराम जी की रक्षा करो तथा इन्हें उचित सम्मान प्रदान करो। सावधान मूढ़ बुद्धि परशुराम। ठहरे माता, ठहरे। पुत्र गणेश, आप मुझे इस क्रोधी अभिमानी और हठी साधु पर प्रहार करने से क्यों रोक रहे हैं? क्षमा करें माता, महर्षि परशुराम आपके क्रोध के नहीं, सम्मान और कृपा के पात्र हैं। ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र गणेश? जिसके अहंकार ने अग्र पूजा के अधिकारी गौरी पुत्र श्री गणेश पर प्रहार करने का दुस्साहस किया हो, तुम उसे हमारे सम्मान और कृपा का अधिकारी बता रहे हो? आप क्रोध का त्याग करें माता, महर्षि परशुराम जगत पालक भगवान श्री हरि विष्णु के अंशावतार हैं। श्री महागणेश की कृपा से अभी अभी मुझे इस सत्य का ज्ञान हुआ है कि इन्होंने जो कुछ भी किया वह हमें एक दंत बनाने के लिए परम आवश्यक था। भगवान परशुराम इस अज्ञानी बालक के अज्ञान को क्षमा करें। उस समय मेरी आंखों पर अज्ञान का आवरण पड़ा था, इसी कारण मेरे द्वारा उत्तेजित किए जाने पर आपका क्रोध जाग गया और आपने अपने परशु प्रहार से मुझे एक दंत बना दिया। भगवान, अपनी इच्छा मात्र पर आप मेरा मस्तक भी उड़ा सकते थे, किंतु भयानक क्रोध के मध्य आपका धैर्य प्रशंसनीय है। मुझे क्षमा कर दे भगवान। आप धन्य है माता, और धन्य है आपका ये पुत्र श्री गणेश। इन्होंने मुझे ज्ञानी को न केवल अपनी महानता अपितु मुझे सत्य का भी ज्ञान करवाया। मुझे क्षमा करें माता। भगवान परशुराम, जिस प्रकार मेरे द्वारा प्रकट किए श्री गणेश का मस्तक कटकर गजानन बनना आवश्यक था, उसी प्रकार इनका एक दंत बनना भी स्वयं श्री महागणेश की लीला का एक अंग था। ना आप लज्जित हों, ना मुझे लज्जित करें। जो कुछ भी हुआ वो शुभ ही हुआ, ये समझकर शोभ का त्याग करें और श्री गणेश को बुद्धि सिद्धि और सफलता का आशीर्वाद प्रदान करें। माता, मैं तो स्वयं परम देव श्री महागणेश के अवतार अग्र पूजा के अधिकारी गजानन श्री गणेश के आशीर्वाद का आकांक्षी हूं। श्री गणेश ने माता मुझे ज्ञानी को सत्य का ज्ञान करवा के धन्य कर दिया। माता, किसी भी व्यक्ति को क्रोध करने से पूर्व धैर्य, संयम और विवेक से उस स्थिति पर विचार कर लेना चाहिए। अग्र पूजा के अधिकारी श्री गणेश शक्ति स्वरूपा माता पार्वती को ये परशुराम बार बार प्रणाम करता है। शक्ति स्वरूपा माता पार्वती श्री गणेश भगवान परशुराम की। शक्ति स्वरूपा माता पार्वती श्री गणेश भगवान परशुराम की। एक दंत श्री गणेश की। गौरी पुत्र श्री गणेश की।
नमो नमो शिवाय। मेरे आराध्य भगवान शिव शंकर, शक्ति स्वरूपा माता पार्वती की कृपा तथा भ्राता श्री गणेश की शुभकामना से मैं अपराध मुक्त हुआ। भोलेनाथ, आपकी कृपा के कारण ही ये सब संभव हुआ है। हमारे कारण कैसे परशुराम? जब देवी पार्वती का क्रोध चरम सीमा पर था, तब हम वो स्थान ही छोड़कर चले आए थे। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण। अग्र पूजा के अधिकारी श्री गणेश को प्रणाम। ओम नमः शिवाय। प्रणाम माता पार्वती। प्रणाम महर्षि परशुराम। प्रणाम। इतनी शीघ्र तुम्हारे कैलाश आने का हमें तो कोई विशेष कारण दिखाई नहीं पड़ता नारद। नारायण नारायण महादेव, जब से मैंने गजानन श्री गणेश की मनमोहक छवि के दर्शन किए हैं, तब से मेरा मन बार बार इन्हीं मनमोहन को देखने को करता है। इसी कारण मैं नारायण नारायण। देवर्षि, आपने मुझे कैलाश पर किसी विशेष घटना का संकेत तो दिया था, किंतु ये क्यों नहीं बताया कि गौरी पुत्र गजानन श्री गणेश कैलाश में प्रकट हो चुके हैं? देवर्षि, यदि आप मुझे उसी समय श्री गणेश के प्रकट होने का ज्ञान करवा देते तो मैं भला श्री गणेश से संघर्ष करने का साहस क्यों करता? संघर्ष? नारायण नारायण। हाँ देवर्षि, संघर्ष। आपने परशुराम को इसी कारण शिवाराधना से जगाया कि इनके और श्री गणेश के मध्य संघर्ष हो, जिससे श्री गणेश एक दंत बन जाए। नारायण नारायण महादेव, मैंने तो श्री परशुराम जी को गजानन श्री गणेश के दर्शन करने की प्रेरणा दी थी। तुम्हारा कथन यदि सत्य है नारद, तो तुमने इन्हें श्री गणेश के विषय में क्यों नहीं बताया? पिताश्री, देवर्षि नारद ने जो भी किया उसमें नारदीय लीला कम अपितु परम देव श्री महागणेश की इच्छा अधिक थी, अतः इसमें इनका तनिक भी दोष नहीं है। इन्हें क्षमा कर दीजिए पिताश्री। एक दंत श्री गणेश, हम नारद के स्वभाव को भली भांति जानते हैं। इनके हर कार्य में दूसरों को सुख पहुंचाने की भावना प्रबल रहती है, इसी कारण हम त्रिदेवों त्रिदेवियों की कृपा और क्षमा प्राप्त रहती है इन्हें सर्वदा। नारायण नारायण, आप धन्य हैं श्री गणेश, आप धन्य हैं। संकट के समय आपने अपने भक्तों की रक्षा करके अपना विश्ववरदाय नाम सार्थक कर दिया। बोलिए एक दंत विश्ववरदाय गजानन श्री गणेश की जय। एक दंत विश्ववरदाय गजानन श्री गणेश की जय। अब आप यहाँ से किस ओर प्रस्थान करेंगे देवर्षि नारद? स्वामी, आपने अपने परम भक्त नारद को कभी अपना अतिथि तो बनाया नहीं। अतिथि बनाने के स्थान पर आप इनसे प्रस्थान के विषय में क्यों पूछ रहे हैं? नारायण नारायण माता, भोलेनाथ ने मुझे उचित समय पर संकेत दिया है। मैं यहाँ से अपने गुरु देवगुरु बृहस्पति के दर्शनों के लिए स्वर्गलोक जाने के लिए सोच ही रहा था। आप सभी के एक साथ दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुआ। ओम नमः शिवाय। गजानन श्री गणेश की जय। गौरी पुत्र श्री गणेश की जय। अग्रपूज्याय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम अग्रपूज्याय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम अग्रपूज्याय नमः। ओम गंगणपतये नमः।
मेरे मित्र वामदेव, मैं कब से तुमसे मिलने के लिए आतुर था। लगभग हर दिन यही सोचा करता था कि अवसर आने पर तुम्हारे आश्रम जाकर तुमसे भेंट अवश्य करूंगा। देवगुरु बृहस्पति, अब तक तो केवल सुना ही था, किंतु आज देख भी लिया। मैं कुछ समझा नहीं, क्या सुना था और क्या देख लिया? स्वर्ग लोक के निवासी स्वर्ग के सुख और वैभव में ऐसे खो जाते हैं कि उन्हें पृथ्वी लोक के अपने मित्रों का ध्यान ही नहीं रहता। मित्र वामदेव, युग बीत गए परंतु तुम वैसे के वैसे ही रहे। बचपन में भी अपनी बात को कहने में तनिक भी संकोच नहीं करते थे तुम, किंतु सत्य तो यह है मित्र कि आज तुम्हें इस स्वर्ग लोक में देखकर मुझे जो सुख प्राप्त हुआ है उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। देवगुरु बृहस्पति, सदैव स्वर्ग पहुंचकर तुम्हें चकित करने के उद्देश्य से मैंने परम देव श्री महागणेश की कठोर आराधना की और परम देव की असीम कृपा से मेरी आराधना सफल हुई और मैं तुम्हारे सम्मुख अपने बचपन की मधुर स्मृतियां लिए स्वर्ग आ पहुंचा। सत्य है मित्र, मैं अपनी भूल के लिए लज्जित हूं। मेरे कारण तुम्हें कठोर परिश्रम करना पड़ा, किंतु परिश्रम का फल सदा मीठा होता है। फिर भी मैं अपनी भूल के लिए क्षमा याचना करता हूं। नहीं नहीं मित्र, मित्रों के मध्य क्षमा और लज्जा का कोई स्थान नहीं होता। अब तुम स्वर्ग लोक में मेरे अतिथि बनकर रहोगे, मैं शीघ्र तुम्हें पृथ्वी लोक नहीं जाने दूंगा। नहीं मित्र, मैं तो तुम्हें पृथ्वी लोक ले जाने के लिए ही यहां आया हूं। पृथ्वी लोक पर क्यों? इसके दो कारण हैं। प्रथम, स्वर्ग और राजमहलों में रहने वालों को संभवतः अपने राज्य के झोपड़ों और पृथ्वी लोक के मार्ग का ज्ञान नहीं होता। अर्थात? अर्थात का अर्थ सरल है मित्र। ना जाने कब से देख रहा हूं कि जो व्यक्ति राज सुख का भोग करने लगता है वो भूल कर भी झोपड़ों के मार्ग पर नहीं जाता। मित्र वामदेव, मैं अपनी भूल की क्षमा याचना कर चुका हूं। मैं भूल का स्मरण नहीं करवा रहा हूं, जो देखा है वही कह रहा हूं कि झोपड़ों से तो हर मार्ग राजमहलों की ओर जाता है, किंतु राजमहलों से कोई भी मार्ग झोपड़ों की ओर नहीं जाता। और दूसरा कारण भी सुन लो। अवश्य। दूसरा कारण है मेरा भय। भय? पर क्यों? स्वर्ग और राजमहलों के विलासी वातावरण में प्राय पृथ्वीवासी भ्रमित हो जाते हैं और अपना शेष जीवन इसी चकाचौंध में बिताने का निश्चय कर लेते हैं। कहीं हम भी। नारायण नारायण। प्रणाम देव गुरु बृहस्पति। नारद, इन्हें भी प्रणाम करो। ये मेरे बचपन के मित्र और परम देव श्री महागणेश के भक्त वामदेव हैं। तुम्हारे लिए गुरु के ही समान है। वामदेव, मेरे शिष्य को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं। ये देवों के ऋषि और त्रिदेवों के भक्त नारद हैं। प्रणाम ऋषि वामदेव। नारायण नारायण गुरुदेव। परम देव श्री महागणेश की कृपा से गौरी पुत्र गजानन श्री गणेश एक दंत बन गए हैं। आप उनके दर्शनों के लिए कैलाश नहीं पधारे? शिष्य नारद, कैलाश जाने के लिए सौभाग्य की आवश्यकता होती है और महादेव शिव शंकर का अब तक मुझे कोई भी संकेत प्राप्त नहीं हुआ है। देव ऋषि, भोलेनाथ का संकेत प्राप्त होते ही हम दोनों मित्र एक दंत दयावंत श्री गणेश के दर्शन हेतु कैलाश पर्वत जाएंगे। मित्र बृहस्पति, मैंने कुछ अनुचित तो नहीं कहा? अपनी तप साधना से अनेक सिद्धियां और परम देव श्री महागणेश की कृपा प्राप्त करने वाले वामदेव
आपका कथन अनुचित हो ही नहीं सकता। नारायण नारायण, आप जैसे परम सिद्ध पुरुषों एवं ऋषियों को वहां पाकर भोलेनाथ, माता पार्वती एवं श्री गणेश निश्चित ही प्रसन्न होंगे। आप जैसे तपस्वियों के लिए तो कैलाश के द्वार सदैव ही खुले रहते हैं। नारायण नारायण। मित्र वामदेव, नारद के कथन का अर्थ समझ रहे हो? भली भांति समझा मित्र। हमें समस्त आचार विचार त्याग कर इसी समय एक दंत दयावंत गजानन श्री गणेश के दर्शन हेतु कैलाश पर्वत जाना चाहिए। शुभ कार्य में तनिक भी विलंब नहीं करना चाहिए। प्रणाम देवगुरु, प्रणाम देवर्षि, प्रणाम ऋषिवर। कहे पवन देव, बृहस्पति आश्रम में मैं आपका क्या प्रिय करूं? देवगुरु, देवराज इंद्र ने आपको इंद्र सभा में आमंत्रित किया है। इंद्र सभा में आमंत्रित करने का कोई विशेष कारण? हाँ देवगुरु, आज देवराज इंद्र ने इंद्र सभा में नृत्य और संगीत का विशेष आयोजन किया है। ऋषिवर, आप भी नृत्य और संगीत का आनंद ले। नेत्र वामदेव, इंद्र सभा चलने के बारे में क्या विचार है? देवगुरु बृहस्पति, आप इंद्र सभा जाएं और मुझे पृथ्वीलोक लौटने की आज्ञा दें, क्योंकि एक बार आपके साथ कैलाश जाने का निश्चय करके मैं अकेला नहीं जाऊंगा। जाओगे तो तब, जब मैं तुम्हें जाने दूंगा। मैं इतने शीघ्र तुम्हें स्वर्गलोक से जाने नहीं दूंगा। अभी तो तुम मेरे साथ इंद्र सभा चलो। वहां पर अप्सराओं का नृत्य और गंधर्वों का संगीत तुम्हारा मन मोह लेगा। देवगुरु, मुझ तपस्वी का संगीत और नृत्य से क्या संबंध? संबंध नहीं है तो हो जाएगा, तुम चलो तो सही। मित्र, कैलाश पर्वत जाने का निश्चय करने के पश्चात संगीत और नृत्य की सभा में जाना क्या उचित होगा? उचित और अनुचित का विचार हम बाद में कर लेंगे, अभी चलो। नारद, आज्ञा करें गुरुदेव। तुम भी हमारे साथ इंद्र सभा चलो। नारायण नारायण, जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। मैं कुछ समय इंद्र सभा में ही बिता लेता हूँ। नारायण नारायण। आओ चले।
ऋषि, तूने जानबूझकर मुझे गिराया है। तुझसे मेरा और रंभा का प्रेम देखा नहीं गया। वाचाल गंधर्व, ये क्या कह रहा है तू? सत्य कह रहा हूं मैं। तू स्वयं रंभा के प्रति आकर्षित था। इस आयु में भी तेरी वासना ने तेरा पीछा नहीं छोड़ा। धिक्कार है तुझ पर। मूल बुद्धि गंधर्व, तू हमारा अपमान करके अपने सर्वनाश को आमंत्रित कर रहा है। नहीं नहीं मित्र, क्रोध ऋषियों की शोभा नहीं होता। इसे क्षमा कर दो। ये मुझे क्या क्षमा करेगा? इसने मुझे भरी इंद्र सभा में लज्जित करवाया है। इसकी ईर्ष्या मेरे और रंभा के प्रेम को देख ना सकी। मित्र बृहस्पति, क्या अपमान करवाने के लिए ही हमें इंद्र सभा में लेकर आए थे? ये वाचाल गंधर्व निरंतर मेरा अपमान कर रहा है और आप हमें क्रोध त्याग देने का परामर्श दे रहे हैं। क्रौंच, क्रौंच, तुमने एक नहीं दो अपराध किए हैं। संगीत साधना के मध्य तो प्रेम एक विकार के समान है। उस पर भी एक सिद्धि संपन्न साधु और मेरे परम मित्र का अपमान किया है तुमने। इनसे क्षमा याचना करो। असंभव। मैं इस कामी वृद्ध से कदापि क्षमा याचना नहीं कर सकता। क्षमा तो इसे मुझसे मांगनी चाहिए। मेरे प्रेम के मध्य में आकर इसने भयानक भूल की है। देवराज, क्या आपने हम गंधर्वों को अपमानित करवाने के लिए स्वर्गलोक में बुलाया था? हमारे मित्र वामदेव से क्षमा मांगो क्रौंच, अन्यथा परिणाम परिणाम अनर्थकारी होगा। मुझे अनर्थकारी परिणामों का भय ना दिखाएं देवगुरु। यदि इस वृद्ध ने मुझसे क्षमा याचना ना की तो परिणाम आप सबके हित में भयानक होगा। देवगुरु के मित्र हम सबके लिए गुरु के ही समान हैं। क्रौंच ने उनका अपमान करके अनुचित कार्य किया है। पवन देव, आप देवगुरु का अनुचित पक्ष ले रहे हैं। संगीत के इस महान कलाकार और इसकी महान प्रस्तुति के सम्मुख तो स्वयं देवगुरु बृहस्पति को इनसे क्षमा याचना करनी चाहिए। सूर्यदेव, ये आप क्या कह रहे हैं? ऋषियों का आदर करना तो हर जीव का निर्धारित कर्तव्य है। नारायण नारायण। क्रौंच, महान तपस्वी वामदेव से क्षमा याचना करके तुम अपने सौभाग्य में वृद्धि ही करोगे। मेरा सौभाग्य इन जैसे व्यक्तियों पर आधारित नहीं है। देवराज इंद्र, आप इस वृद्ध से कहें कि हमसे क्षमा मांगे, अन्यथा हम गंधर्व अपने अपमान का प्रतिशोध आप देवताओं से लेंगे। आप बिना कारण ही तर्क को कुतर्क और वाद को विवाद बना रहे हैं क्रौंच। सावधान देवराज इंद्र, आप भली भांति जानते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी लोक के मध्य गंधर्व लोक स्थित है और हम गंधर्व देवताओं का पृथ्वी लोक पर जाना रोक देंगे और देवताओं के लिए पृथ्वी लोक पर होने वाले यज्ञों को हम नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। सीमा को लांघने का दुस्साहस मत करो क्रौंच, अन्यथा परिणाम परिणाम तुम्हारा सर्वनाश होगा। सर्वनाश किसका होगा, इसका निर्णय समय करेगा। तुम ऋषियों के स्वभाव से हम गंधर्व भली भांति परिचित हैं। तब साधना में लीन रहते हुए भी तुम अप्सरा और गंधर्वों के संगीत नृत्य को देखकर बाबरे हो जाते हो। वाचाल गंधर्व क्रौंच, जा, मैं तुझे अपनी तप शक्ति से शाप देता हूं। जा, तू गंधर्व लोक और समस्त दिव्य लोकों से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाकर मूषक बन जा, जा! अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है कर्ता यही है कारण। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है कर्ता यही है कारण। सारे जगत के भाग्य विधाता, दुख हरता ये है सुखदाता। श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश।